जय श्री राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैं श्री राम की भक्त डॉक्टर प्रीति गुप्ता एक बार फिर MCD सिविक सेंटर अजमेरी गेट दिल्ली से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही खास श्री हरि के कार्यक्रम का आंखों देखा और अनुभव किए हुए पल का, जो आपने पिछले 2 महीनों में देखा। आज मैं एक सारांश ले राम जी की कृपा से और श्याम जी के आशीर्वाद से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कल हमने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पूर्वोत्तर, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों से यात्रा के स्वागत, वहाँ के लोगों द्वारा GRC सेंटर, रथ पूजन, ग्राम कथा तथा हनुमान परिवार के साथ विचार क्रांति को न केवल महसूस किया बल्कि उसे ग्रामीणों और वनवासियों के साथ जिया भी। हम सब संकल्प लेते हैं आज से बेशन त्याग करते हैं। हर है नशा कहर है जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। आज हम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू हिमाचल के उत्तर और दक्षिण भाग से आपको परिचित कराएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हमारी टीम का भव्य परंपरागत स्वागत हुआ रायपुर छत्तीसगढ़ में। यहाँ हमारी टीम का भव्य स्वागत हुआ जो देखते ही बनता था। वाह क्या गर्म जोशी। लोगों ने एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा के 9 रत्नों को हनुमान परिवार, GRC सेंटर के साथ रथ के दर्शन कर ग्राम कथा का आयोजन कर एक नई मिसाल कायम की। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हर एक तैयारी करके आया था। जैसा कि हमारे निर्णायक भी कहते हैं कि विजेता हर प्रतिभागी है, परंतु चयन तो किसी एक का ही होगा। आयोजित प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली हैं, मैं घोषणा करने जा रहा हूँ, शिव कुमारी। द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। श्रद्धेय वंदनी बहन सुभद्रा प्यागरा का नाम लेता हूँ। रायपुर से अब हमारे 9 रत्न पहुंचे जबलपुर। कौशल संभाग मध्य प्रदेश में। यहाँ के एकल श्री हरि परिवार साथ साथ प्रतिभागियों की टीम जोरदार तैयारी के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार थी और साथ ही तैयार थे सबरी समाज, एकल युवा और ग्राम संगठन के लोग अपना अनुभव बताने के लिए। यहाँ की प्रतियोगिता में सफल 2 विजेता बने। घोषणा करना चाहूँगी जो आज की फाइनल राउंड में
सेकंड पोजीशन में है फूल शाह नंद जी, जो द्वितीय श्रेणी में है। प्रथम प्रतियोगी जो विजय हुए हैं वह हुए हैं श्री राजेंद्र चिचले जी। जबलपुर से हमारी टीम फिर एक बार 520 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर मध्य भारत संभाग मध्य प्रदेश इंदौर पहुंची, जहां अब रामायण प्रतियोगिता आयोजित करनी है। साथ ही हमें वहां एकल श्रीहरि के पंचमुखी कार्यक्रम की एक झलक भी आप तक पहुंचाने का कार्य करना है। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संवर्धना शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इन नौ रत्नों को, लेकिन यह नौ रत्न तो राम जी की शक्ति के साथ और इस दृढ़ विश्वास के साथ कि राम जी के कार्य में कोई विश्राम नहीं लेकिन कोई थकान भी नहीं। यहाँ के दो विजयी प्रतिभागी बने। मैं जो प्रतियोगी द्वितीय आई है उनका नाम की उद्घोषणा करना चाहता हूँ, कुमारी जयमाला जी। आज की प्रतियोगिता की विजेता जो कि मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, प्रथम स्थान पाया है पिंकी ने, कुमारी पिंकी ने, बहुत बहुत बधाई। इंदौर से हमारी यात्रा आगे बढ़ी और पहुंची सोनगढ़ गुजरात। वहां प्रतिभागियों ने, ग्रामवासियों ने, वनवासियों ने जो स्वागत किया उससे हमारी टीम का उत्साह वर्धन काबिले तारीफ था। एक बार फिर हुई प्रगति, विश्वास ग्रामीणों और वनवासियों का। और प्रतियोगिता रामायण की विजेता सब बने, लेकिन ताज तो किन्हीं दो को ही मिला। आज जो रामायण प्रतियोगिता गुजरात संभाग हो रही है उसके सेकंड जो आए हैं उसका नाम है श्री मूलजी भाई कामड़ी। बहुत ही खुशी के साथ ये अनाउंस कर रहा हूँ कि गुलाब भाई राठौर इसके प्रथम आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते ते। गुजरात की धरती सोनगढ़ की रज माथे पे लगा और जय श्री राम का नारा गुंजाय मानकर हमारे साथी पहुंचे नासिक। यहाँ इनका क्षेत्रीय संस्कृति के अनुसार स्वागत सत्कार किया गया। भाई
विभिन्न आयामों को दिखाया गया। जितने भी प्रतिभागी हुए वह सभी रामायण के ज्ञाता हैं, लेकिन हमारे निर्णायक मंडल ने केवल दो विजेताओं को चुना। जो दिल्ली जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हमारे नासिक महाराष्ट्र चैप्टर का नाम रोशन करने, विजय भाई गांगुड़े। श्री गमन भाई पाडवी प्रथम विजेता है। मेरे वाण से उनका उपकार नहीं बोल पा रहा हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। महाराष्ट्र के नासिक संभाग से हमारी टीम 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर पहुंची जम्मू। सबसे पहले माँ वैष्णो तथा बाबा भोलेनाथ को नमन कर हमारी टीम एक नए जोश के साथ अपने कार्य में लग गई। यहाँ दर्शन पूजा कर प्रतियोगिता के तीन भाग पूर्ण हुए और राम जी के आशीर्वाद से विजेता बने। दूसरे स्थान पे रहे हैं इस प्रतियोगिता में, उनका नाम है जगदीश शर्मा जी। आज हमारे बीच में जो प्रथम स्थान पे हैं, मैं सबका एक बार जोरदार तालियों के साथ कहूंगा कि आप इनका स्वागत करें, तो उसके बीच में अपनी कमलेश देवी जी। जम्मू से दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होते हुए हमारी टीम आगे बढ़ी पालनपुर, जो कि चाय के बागानों का और हिमाचली संस्कृति का एक मुख्य केंद्र है। यहाँ के वनवासियों की प्रजातियों ने अपनी तरह से एकल का धन्यवाद कहा। स्वागत 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 करते आपका, अभिनंदन अभिनंदन करते करते आपका। आज हुई सब धन्य हमारी आप जो यहाँ पधारे, आज हुई सब धन्य हमारी आप जो यहाँ पधारे। स्वागत गीत खुशी में गा रहे हम बच्चे मिल सारे, और प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजेता सब बने, लेकिन ताज तो किन्हीं दो को ही मिला। इस प्रतियोगिता में जो दूसरे नंबर पर रही हैं बहन नेहा देवी, हमारे प्रथम प्रतिभागी हैं श्रीमती नीना कुमारी बहन जी।
पालमपुर के बाद टीम निकली भी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए सिरमौर की ओर और फिर पहुंची सिलाई सिरमौर, जहां देव संस्कृति, पारंपरिक लोक नृत्य तथा मातृशक्ति का नेतृत्व देखते ही बनता था। दीपं ज्योति नमस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा। इस तरह से प्रतियोगिता संपन्न हुई और विजेता बने। द्वितीय श्रेणी पे हमारी बहन कला जी वो द्वितीय स्थान पर रही है, उनको बहुत बहुत बधाई। तो प्रथम स्थान पर पिछले प्रदर्शन के आधार पर भी और इस चरण के प्रदर्शन के आधार पर भी जो हमारी प्रतिभागी रही कुसुम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रभु श्री राम की अनुकंपा से, परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से यात्रा पूर्ण करके हमारी एकल भारत दर्शन की टीम दिल्ली पहुंची और इस तरह से संपन्न हुआ हमारा ये अभियान, जिसमें प्रभु श्री राम की अनुकंपा नौ रत्नों के साथ सभी प्रतिभागियों पर और हम सब पर बरसी। जय जय श्री राम, जय श्री राम।